ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಮುಕ್ತಿನಾರ್ಯ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರ, ಸದ್ಗುರು ಪರಮಹಂಸ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಎ ಪಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ 4ನೇ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಸ್ತಾದರ ದ್ರಾಕ್ಕಲೆಯ ಶೃಂಖಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೈಗಳು ದುಡಿದಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿದೇಶ ಘಟಕವಾದ KCF, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ KCF ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ನೆನವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮಾನವತೆಯ ಮಹಾ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ 21st century, ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صدر محترم، علماء کرام، معزز حاضرین، دوستو، بزرگو، بھائیو، اسلام اور دیگر دین، مذہب، مسلک یہ رہنے والے وطن ہے ہمارا انڈیا. خاص طور پر خاص طور پر کرناٹک سٹیٹ میں مسلم، ہندو، کرسچن، بدھن، جینن اور ہندوؤں میں کئی فرقہ پارٹی سب ہیں، لیکن
मुसलमान जब मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियन कनीसा में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, लेकिन इंसानियत में सब एक ही है, इत्तेफाक है। अभी दुनिया में हम सुनते हैं टेररिज्म दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाग लोग चंद लोग कोशिश करते हैं, ये दहशतगर्दी से टेररिज्म से न उसको फायदा न दूसरों को फायदा, किसी को फायदा नहीं, बल्कि इंसान आपस में लड़के लड़के हलाक हो रहा है, इज्जत दूर होती है, माल बर्बाद होता है, खराब होता है, उसके सिवाय उससे फायदा नहीं। एक हिंदू का दुकान मुसलमान जला दिया, मुस्लिम को क्या मिलेगा? कोई मुसलमान का दुकान हिंदू जला दिया, खराब कर दिया, हिंदू को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम इंसान हैं, इंसानियत में हम एक ही राय पर चलना चाहिए, ये हमारा मतलब है। और उसके साथ साथ हमारे मुअज्जज उलमाए किराम से भी मेरे गुजारिश ये है कि उलमाओं में भी कभी कभी मसलक का इख्तिलाफ होगा, कभी राय के इख्तिलाफ होगा, इधर है या नहीं वो मुझे मालूम नहीं, मैं आम तौर पर बोल रहा हूं, इधर कोई है बोल के तोहमत रखे नहीं बोलता हूं, इधर के बारे में कुछ मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुनिया के हाल ये है कि उलमा के यहां भी मसलक का इख्तिलाफात और तरीके का इख्तिलाफात ये सब होता है। लेकिन उस इख्तिलाफात भी हमारे तरक्की को रुकावट नहीं होना, तरक्की को मान्य नहीं होना। यहां ये हवेली में मैं इतना जानता हूं जो मुसलमान है सब सुन्नी है, उसमें कोई सुन्नियत के खिलाफ रखने वाला नहीं है। तो हकीकी बुनियाद पर इत्तेफाक हो तो मसलक में अलग कुछ न कुछ खिलाफ अगर हो तो भी वो कम करना, हमारे हाथ में रखना, यहां तरक्की के लिए हमारे नौजवानों को दीन की तरफ लाने के लिए इत्तेफाक से कोशिश करना, काम करना। इंशाअल्लाह आपके साथ हम भी रहेंगे, आप हमारे साथ भी रहना चाहिए। ये नौजवान
जो बैठते हैं सब सच्चे खाली दिल वाले हैं, लेकिन वो दिल में हम क्या डालते हो वो उधर बाकी रहेगा। तो हमारी सुन्नियत की अकीदा सबके दिल में डालना और शराब नहीं पीना, दूसरों को मत धोखना धोखाना मत, और जो जो बुरे काम वो काम से बचना, ये हमारे नौजवान को पढ़ाने के लिए तालीम देना मदारिस और जामियात कुलियात वो सब और भी बढ़ाने के लिए कोशिश करना। मदारिस में एक ही सिलेबस में अल्हम्दुलिल्लाह हम केरला के अंदर 12,000 से ज्यादा मदरसा एक ही सिलेबस पर चलाते हैं। 12,000 मदरसा में एक ही सिलेबस है, एक ही टाइम में एग्जाम होता है, एक ही दिन में होता है, एक ही टाइम में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब दिल्ली में हम हाफिज रखा उर्दू अरबी हिंदी इंग्लिश मलयालम तमिल कन्नड़ा, ये 7 जबान में मदारिस के लिए हम किताबें तैयार किए हैं। इसलिए तैयार किया हर तलबा जो हनफी हो शाफी हो और जबान क्या भी हो सब एक ही निजाम के साथ पढ़ना उनको पढ़ाना। मेरे ख्याल में इधर कई मदारिस है, इंशाअल्लाह हम आपको एक ट्यूटर को भेज देगा इधर, और ट्यूटर आपके सामने आएगा वो आपको बताएगा आप हमारे मदारिसों में ये अच्छा सिलेबस जारी करना। आप इंडिया में बरेली शरीफ मुबारकपुर और कचूसा शरीफ वगैरह सब जगह हमारी सिलेबस अभी जारी है, सब जगह जारी है। यह उलमा वहां का उलमा कचूसा उलमा और बरेली शरीफ का उलमा मुबारकपुर का उलमा बदायूं का उलमा और सब हमारे साथ है, इसका कमेटी में भी है, हजरत तो जानते हैं। मैं अभी लंदन गया था एक महीने पहले, वहां वो आलिम का नाम क्या था, गयाउल्लाह कमरुज़्ज़मान अज़मी, वो मेरे साथ 2 दिन थे लंदन में, मैं गए थे 2 दिन वो हमारे साथ थे मीटिंग में तकरीरों में थे। वो कमरुज़्ज़मान अज़मी वो बोला लंदन में जितने मदारिस हैं वो मदारिस से हमारे ये सिलेबस जारी करेगा, वादा किया। इसलिए कि कोई फर्क नहीं हनफी शाफी मसलक में, थोड़ा सा मसलक में फर्क है, बाकी अकीदा में कोई फर्क नहीं, अमाल में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं, तो वो भी जारी करेगा हमारे नौजवान को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए। हमको एक अच्छा निजाम होना चाहिए इंशाअल्लाह, उसके लिए भी कोशिश करना। और हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बुद्धन जैन जो दीन वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हिंदू लोग मेरे सामने आ गया, मुझको दावत दे दिया मीटिंग में जाने के लिए, दावत दे दिया। वो
फूल डाल दिया, ये तो हमको पसंद है, वो हिंदू है, ये वो है, ये बोल के हटाना, ये इस्लाम का कोई तो रास्ता नहीं है। इस्लाम का रास्ता इस्लाम इस्लाम ही है, उसमें कोई रुसत नहीं। मुस्लिम मुसलमान है, उसमें से अकीदा में दूसरा कोई दीन वालों को नहीं देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अबू बकर बोला ना कलीकत, अबू बकर बोला ना कलीकत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे मकसद है, ये मकसद पर चलना है, और हमारे कर्नाटक यात्रा में चंद चीजें गवर्नमेंट से हम पूछ रहे हैं। गुलबर्गा शरीफ हजरत शाह ख्वाजा बंद नवाज रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल हिंद मलिकुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमीरी कद्दसल्लाहु तआला सर्रहु के शाकिरों के शाकिर बंदे नवाज, वैसा ही ख्वाजा अल बगदादी सिराजुद्दीन अल बगदादी, वो दोनों के हजरत थे। सामने से हम निकले, उस वक्त मैं वहां लोगों से जो बोला वो हुकूमत ने भी बोला, हुकूमत ऐसे बुजुर्गों को इधर याद करना चाहिए, ये अगर ये बुजुर्ग इधर नहीं तो हिंदू मुसलमान के दरमियान जो मोहब्बत अभी बाकी है वो नहीं होता था। वो लोग को पढ़ाया, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई भी हो, हमको सियासत नहीं, वो याद करना चाहिए। वैसा ही बीजापुर में जो औलिया इकराम के और बाकी दीन वालों के जो जो कुंभना और आथार वो सब बाकी रखना, उसको डेवलप करना, ये भी गवर्नमेंट से मैं तलब किया। और बीजापुर में एक एयरपोर्ट होना, ये भी मैंने तलब किया। पेपर वालों से मैं बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर हमारे मैंगलोर का मीटिंग में आएगा, उस वक्त उसके पास ये सब हम देगा। और एक बात भी है, ला तशरबुल खम्र फइन्न शुरबल खम्र रिज़्क़ु कुल्लि फाहिशा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप शराब मत पियो, शराब पीना हर हलाक मुसीबत का मंशा तो वही है। शराब पीने से कत्ल भी होता है, शराब पीने से आपस में झगड़ा भी होता है, मारना भी होता है, सब होते रहते हैं, इसलिए शराब नहीं पीना। इसलिए जैसा कि केरला गवर्नमेंट से हमने केरला यात्रा में तलब किया, संपूर्ण मध्य मुक्त केरला, वो बोला था अल्हम्दुलिल्लाह केरला गवर्नमेंट एक महीना के पहले वो हुक्म किया सब ये शराब का ऑफिस दुकान वो बंद करने का हुक्म किया। वैसा ही ये कर्नाटक में भी इंशाअल्लाह मद्य मुक्ता, संपूर्ण मद्य मुक्ता कर्नाटक होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट को हम देगा। मेरे पीछे ये नौजवानों आप होना चाहिए, उलमा होना चाहिए, लोग होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब हमारे पीछे रहो, इंशाअल्लाह ये भी इधर हो जाएगा। पेपर वालों से गुजारिश है, आप भी ये हाईलाइट करना है, ये थोड़ा हाईलाइट करके
لکھنا چاہیے. وہ انشاءاللہ یہاں کے علماء کرام سب حاضرین ہیں, یہ علماء سے میں جو گزارش کیا وہی دوبارہ گزارش کر رہا ہوں. بہت لوگ انڈیا میں مشرق اعلی حضرت پر چلنے والے بہت, مشرق اعلی حضرت کو خلاف کرنے والا کوئی بھی سنی نہیں. کبھی مشرق دوسرا بولے گا لیکن مشرق اعلی حضرت کو خلاف کرنے والا کوئی بھی سنی نہیں. وہ مشرق پر تاج سریا جیسا علماء بزرگوں کے راستوں میں اور سب علماء جو طریقے پر چلتے ہیں وہ سب سنیت کا طریقہ وہ چل کے اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں کے ترقی کے لیے کام کرے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہاں یہ دوپہر میں بھی جو کام کرنے کا ٹائم ہے یہ ٹائم میں بھی اتنے لوگ ادھر جمع ہوا, سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. علماء اور دیگر دین والا نان مسلم, مسلم ہندو سے کرتن سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور نوجوان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ جو یہ ادھر جو حاضرین ہیں سب حاضرین کو شکریہ ادا کر کے, پولیس والوں کو, گورنمنٹ کو, سب کے شکریہ ادا کر کے میں میری بات ختم کرنا چاہوں گا. اللہ جل شانہ ہمیں اور آپ کو نیکی کام کے لیے توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے یہ مجلس قبول فرمایا اللہ, غریبوں کو برکت عطا فرمایا اللہ, مسکینوں کو برکت عطا فرمایا اللہ. الحمدللہ پرس والا بہت ہمارے ساتھ ابھی تک آیا, ابھی بھی آئے گا. میں جو بولا وہ ایئرپورٹ یہاں نہیں لیکن میداپور میں ہو تب بھی یہاں کا بھی فائدہ ہوگا, وہ بھی ہائی لائٹ کرنا اور یہ شراب سے ہٹانا وہ بھی ہائی لائٹ کرنا اور دوسرا بھی یہ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے چیریٹی ہاسپٹل ہونا وہ بھی گورنمنٹ سے ہم تو گزارش کیا ہے وہ بھی دے گا. ادھر بھی چیریٹی ہاسپٹل ہونا, ہر جگہ ہر ضلع میں ایک دو تین چیریٹی ہاسپٹل بڑا چھوٹا کا قدر کے گورنمنٹ تو کرنا چاہیے. گورنمنٹ کون, کوئی گورنمنٹ ہو لوگوں کے پیسہ سے گورنمنٹ ہوتا ہے, لوگوں کے نہ ووٹ سے گورنمنٹ ہوتا ہے. اس لیے گورنمنٹ سے ہم یہ بھی بولے گا آپ ہمارے ساتھ ہونا. یہ پرس والوں کو خاص طور پر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اور جو پولیس والا سب کو شکریہ ادا کر کے میں ختم کرتا ہوں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.